एक मिर्ज़ापुर से जुड़ा सवाल है कि मिर्ज़ापुर के सारे किरदार बहुत एपिक हैं, अच्छे लगते हैं, और आपका तो है ही। आपको पर्सनली कौन सा किरदार उसमें, आपको छोड़कर के, कौन सा सबसे दमदार, अच्छा लगा और उसकी एक्टिंग ने आपको प्रभावित किया? रसिका दुग्गल का वीणा, क्योंकि वो बहुत घर में रहती है और आपको ऊपर ऊपर से दबी हुई महिला लगती है, और सीजन 2 ख़त्म होते होते पता चलता है सारा खेल तो वही खेल रही है। तो वीणा और मेरे सामने होती है तो कुछ और, तो मज़ा आता है। हमको मालूम है, मतलब बतौर एक्टर हम कहानी पढ़ चुके थे, सीन में मालूम है कि वीणा जो है खेल करने वाली है, और फिर भी हम अनभिज्ञ होकर उसको देख रहे हैं। हमें यही तो एक्टिंग का मज़ा है कि हमको मालूम है कि हमारा सामने वाला किरदार क्या बोलेगा, लेकिन जब हम सुनते हैं तो लगता है कि हम पहली बार सुन रहे हैं। 4 रीडिंग रिहर्सल हम कर चुके होते हैं, तो या हम मैं परफॉर्म करता हूँ, लाइनें बोलता हूँ, तो लोग बोलते हैं यार ऐसा लगता है कि आप खुद ही लिख के बोल रहे हैं। मैं खुद नहीं लिखता हूँ, लाइनें कोई और लिखता है, वो काम ऐसा है कि लगे कि मैंने ही लिखी है, मेरे जैसे ही लगे। तो वीणा मुझे अच्छी लगती है। मुन्ना है इंटरेस्टिंग, लेकिन मुन्ना का एक डायमेंशन है, जो है वही दिखता है, वीणा जो है वो दिखती नहीं है। और उसी तरीके का कुछ कैरेक्टर गोलू का भी है। हाँ, गोलू का वो दूसरे परिवार की है, मैं उधर ध्यान नहीं देता हूँ। सर, अभी आप पेड़ की बात कर रहे थे तो मुझे विनोद कुमार शुक्ल याद आ रहे थे। हाँ, मेरे प्रिय हैं वो। हाँ, तो मतलब, और आपको अभी बात करते हुए सुन रहा हूँ और आपके किरदारों को देखा, तो एक चीज़ दिखती है, विनम्रता, पोलाइटनेस। हाँ, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि बॉलीवुड में ये जो पोलाइटनेस है आपकी, इसका कभी फायदा उठाया किसी ने, कोई ऐसा इंसिडेंट, या आपको कुछ ऐसा हो कि शुरुआत के दिनों में आपके साथ कुछ ऐसा हुआ कि, क्योंकि आप, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जैसे किरदारों में दिखते हैं वैसे यहाँ पर हैं। अब उस पोलाइटनेस का फ़ायदा ही, मतलब उसको क्या याद करना कि किसी ने फ़ायदा उठाया और आपको याद भी है, फिर कहाँ की विनम्रता। पोलाइटनेस वो जो कोई फ़ायदा उठा ले और आपको याद भी ना रहे और आप उसका जिक्र भी ना करें, छोड़ दें, तो जीवन है, कोई उठाया होगा कोई बात नहीं है, अच्छा है। आपने बहुत सारे वॉर रूम की कहानियां सुनी होंगी, आज लल्लन टॉप का इलेक्शन वॉर रूम दिखाते हैं। तुम जो है मध्य प्रदेश से आओगे ना नीचे से, और ये झालावाड़ कोटा होते हुए फिर राजधानी निकल जाओगे, चले आना आगे। सरदार जो है सरदारपुरा जाएंगे। भाई इस हिसाब से तो आपको झालरापाटन जाना चाहिए। खोज खोज कर किन से बात कर रही है? लड़कियों से, महिलाओं से और नौजवानों से। और हाँ, सबसे ज्यादा ना एग्जाम देने वालों से हमें बात करनी है। वो तो ठेका ही आपका, वो करोगे ही, लेकिन अपने को दंतेवाड़ा में भी जाकर के कंसीडर करनी चाहिए फॉलोअप स्टोरीज। जबलपुर के मुंगौड़े और ग्वालियर की बिड़ई, खाने पीने से तो कलर आता है यार। कलर तो आता है, साथ में आती मौज, और पब्लिक देखती है तो आता है नंबर, तो खाएंगे तो है ये। यार नंबर वाला तो गेम है ये, तो देखा आपने, जोर शोर से चल रही है तैयारी। आपके सवाल और ख्याल पूछने की नियत और उनके जवाब नेताओं से हासिल करने की हिम्मत लेकर लल्लन टॉप की ये चुनावी टुकड़ियां आ रही हैं आपके गांव, कस्बे और शहर में। तो आइए और जुड़िए लल्लन टॉप चुनाव यात्रा से।